Exercise 8.1, question number 11. In triangle ABC and triangle DEF, AB equal to DE and AB is parallel to DE, BC equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices AB and C are joined to vertices DE and F respectively. देखो हमें क्या गिवन है ट्राइंगल ए बी सी अब हमें गिवन है कि ए बी के पैरेलल आपका है यहाँ पे डी तो ए बी के पैरेलल हम डी ई ले लेंगे क्या हो गया दिस इज डी ई देन बी सी के पैरेलल हमें गिवन है ई एफ ये हमने ले लिया एंड देन ज्वाइन करना है हमने इनको ई और एफ ज्वाइन हो गया आपके बी एंड ई विल बी ज्वाइन ए एंड बी विल बी ज्वाइन अब ये आपका गिवन था फर्स्ट कंडीशन देखो हमें क्या गिवन है ए बी इज इक्वल एंड पैरेलल टू डी ई ए बी और डी ई क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपका इक्वल एंड पैरेलल है तो दिस विल बी अ पैरेलल ये हमारा फर्स्ट पार्ट था हाँ जी ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल नहीं है ठीक है ओनली द साइड्स आर पैरेलल अगर पैरेलल एंड इक्वल बोथ है देन इट इज अ पैरेलल ठीक है देन सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहे हैं सेम वे में क्वाड्रिलेटरल बीईएफसी इज अ पैरेललोग्राम अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है बीसी जो है दैट इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईएफ यानी कि बीसी और ईएफ अगेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपका इक्वल एंड पैरेलल है So this one is again a parallelogram. अब देखो, DE इन दोनों parallelograms में common है. हम ये कुछ हाँ जी. Someone was having the doubt, that's why I explained this. So BE CF के equal and parallel है. BE AD के equal and parallel है. अगर BE equal to AD है और BE equal to CF है, अगर left hand side equal है, यानी कि right साइज भी इक्वल है सेम वे अगर बी ई ए डी के पैरेलल है और बी ई जो है आपका वो सी एफ के पैरेलल ये मैंने लिया बी ई ये ए डी के पैरेलल है और बी ई सी एफ के पैरेलल है तो ये वाली जो दोनों लाइन है अगर मैं इसको हटा दूं तो अगेन बी का तो अगेन सी एफ जो है दैट इज इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी तो ये आपका क्या बन गया अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी दैट AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF ये हो गया ACF इज अ पैरेललोग्राम हो गया लास्ट में वी हैव टू प्रूव AC इक्वल टू DF अब क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम है ACDF तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे विल बी इक्वल एंड पैरेलल देन ये साइड इसके इक्वल है AB हमें DE के इक्वल गिवन थी BE हमें जो है BC जो है वो हमें इसके गिवन था ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल तो SSS congruency से triangles are congruent ठीक है so this was your question number 11 moving on to question number 12 Question number 12 trapezium in which AB is parallel to CD and मुझे ना पीछे से आवाज आ रही है बातों की AB is parallel to CD and AD is equal to BC उसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी एंगल सी इक्वल टू एंगल डी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी डायगनल ए सी जो है दैट इज इक्वल टू डायगनल बी डी
ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये हमने फिगर गिवन है वैसे तो, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ इट ट्रेपीजियम. ओके, ए बी सी एंड डी, दिस इज अ ट्रेपीजियम गिवन टू अस इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं. इन अ ट्रेपीजियम इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. तो ये हमें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ई लेंगे इस तरीके से ए बी को एक्सटेंड करके उसके ऊपर, सच दैट ए डी और सी ई जो है ये आपके पैरेलल हो जाए. ठीक है, एक्स कंस्ट्रक्शन है ये हमारी, एक्सटेंड ए बी टू ई सच दैट सी ई इज पैरेलल टू ए डी. अब सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल है, ए बी हमें सी डी के पैरेलल गिवन है. तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ई पॉइंट क्योंकि ए बी पे लाई कर रहा है तो इट मींस ए ई इज आल्सो पैरेलल टू डी सी. अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इट मींस ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और ई का सम कितना होगा, प्रूफ अभी मैं लिखवा दूंगी, पहले इसको समझ लो. सेम वे में इधर से ये अगर मैंने एंगल एक थ्री लिया, ये एंगल लेट अस सपोज मैंने फोर ले लिया, तो इनका सम कितना होगा, वाई 180. दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. अब देखो हमने क्या किया, ये हमें इक्वल गिवन थी, हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया एंड वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इट मींस एडी और सीई आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. नाउ इफ आई कंसंट्रेट ऑन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. इन अ ट्रायंगल इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो एंगल टू और थ्री आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब इसकी जो है राइट हैंड साइड दोनों की 180 थी, इट मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी. तो एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 4 के. लेकिन हमने क्या शो किया कि 2 और 3 क्या है, आपस में इक्वल है. 2 और 3 आपस में इक्वल है, इट मींस वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. एंगल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को. 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को. यही हमने शो करना. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. अब हमें ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल शो कर, कैसे करेंगे. एंगल ए जो है, ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी. अब इट मींस या तो आप ऐसे ले लो, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो. 1 प्लस 5 इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, 4 प्लस 6 इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वेट करके सेम वे में आ जाएगा. या जैसे कि दिया ने कहा कि एंगल 1 और 6 इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट उसमें क्या होगा, 2 और 5 आप पहले शो करोगे, फिर आपका 2 और 4 जो है वो इक्वल होंगे क्योंकि 2 और 3 इक्वल हैं. तो आप उस वे में कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो गो फॉर दिस वन क्योंकि ये इजी होगा. 1 प्लस 5 180, 4 प्लस 6 180, लेकिन 1 और 4 इक्वल है तो इट मींस 5 और 6 भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी. ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बीएडी. ए बी, ए बी कॉमन, ए ए डी इक्वल टू बी सी भी गिवन है. ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डायगनल ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी.
So these were the parts. So let us solve this now. Write on the given. क्या गिवन है हमें इसमें? ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम ए बी सी डी. बेटा बोल रहे हैं ना, जो भी बच्चा मुंह बंद रख लो प्लीज. फिर मैं नेम लेके कहूंगी, फिर आप कहोगे कि मैम ने इंसल्ट कर दी. अभी मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ विदाउट नेम. ट्रेपीजियम क्या गिवन है हमें? ए बी सी डी. और सेकंड कंडीशन इसमें क्या गिवन है? एनी अदर कंडीशन? तो इसको थर्ड ले लेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी. नाउ टू प्रूव, कितने पार्ट्स हैं प्रूव करने वाले? फोर के फोर लिख लो. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, इज डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी, and triangle ABC is congruent to triangle BAD. चारों parts लिख लो ये, then construction आएगी इसमें. Yes बच्चे. हम तो वही मैं बस थोड़ा सा body कहना था मैं मुक्त करने. Okay. Lovelina, any doubt बच्चे? Yes ma'am. Ma'am वो trapezium visible नहीं है, उधर कर दो थोड़ा सा camera. Just a moment. Is it okay now? Yes, ma'am. Okay, बच्चे. हाँ जी. To prove, have you written? Yes. चारों points उसके लिख लो book में से. I'm writing it in this way, but I should not get this same in your notebooks. You have to write it down from your book. Now construction. अच्छा ये चीज का ध्यान रखना है. A B A से B की तरफ मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, तो आई विल राइट डाउन एक्सटेंड A B नॉट B. ठीक है, जिस साइड से हम एक्सटेंड कर रहे हैं B की तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो B पीछे आएगा. तो एक्सटेंड A B, A B टू E सच दैट, मैंने ये लिखा कि E तक हम उसको तब तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट C E इज पैरेलल टू DA और AD. हाँ जी. एंड बस वही CE यहां मैंने मेंशन कर दिया. नाउ प्रूफ, नेमिंग दोगे अगर तो फिगर में जरूर मेंशन होने चाहिए, ये ध्यान रखना है. अदरवाइज राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ एंगल DAB एंड एंगल CBA. बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए, तो नेम दे दो उसको एंगल 1 2 3 4. बट जब मैंने नोटबुक्स चेक की हैं, आई हैव गॉट सो मेनी नोटबुक्स जिनमें एंगल सॉल्यूशन में मेंशनड था बट इट वाज नॉट मेंशनड इन द फिगर. तो इन दिस केस, दिस टाइप ऑफ केस जहां पे आप सॉल्यूशन में एंगल 1 2 3 4 यूज कर रहे हो बट फिगर में वो मेंशन नहीं है, इन योर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू गेट 0 marks फॉर दैट. क्योंकि जब तक एग्जामिनर को आपका सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो बी वेरी अटेंटिव. अब एंगल 1 2 3 4 5 6 आप मेंशन कर लो. ये एंगल 1 पूरा है ए, दिस इज योर एंगल 4 पूरा है ये भी, दिस इज योर एंगल 2, दिस इज एंगल 3. अब प्रूफ बताइए क्या क्या लेंगे. सिंस ए डी इज पैरेलल टू सी ई बाय कंस्ट्रक्शन, क्या होगा इससे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री. व्हाट्स द रीजन? लीनियर पेयर कौन बोला? दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली नहीं लिखना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऑल्सो, यस दिस इज द लीनियर पेयर. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. इक्वेशन 1 and 2 implies, क्योंकि राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं अगर इक्वेशंस की, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी. सो 1 and 2 इम्प्लाई कर रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4.
बट एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. क्या रीजन देंगे यहाँ पे? टू और थ्री कैसे इक्वल थे? एडी एडी इक्वल टू बी सी, एडी इज इक्वल टू सी ई. यहां लिखोगे ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. Opposite sides of parallelogram A E C D. Otherwise, you can do. Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे. ma'am, जहाँ आप लिख रहे हो वो side visible नहीं है. Okay, I just shifted to the other side. इससे पहले आप एक और काम कर सकते हो. यहाँ तक लिख लिया आपने? ये angle 1 plus 2 equal to 3 plus 4 से आगे ये दोबारा mention करो. दोबारा I mean कि मैंने verbally बता दिया था आपको, बट हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर लो. आफ्टर दिस एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू थ्री प्लस एंगल फोर, ये आप दोबारा लिखना. यहाँ इसको इक्वेशन थ्री ले लो, इसको ले लो इक्वेशन थ्री. अब यहाँ पे लो, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ए डी पैरेलल सी ई, देयरफोर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू सी ई. बट ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन. देयरफोर इन ट्राइंगल बी ई सी angle 2 is equal to angle 3, angles opposite to equal sides. So equation 3 becomes angle 1 plus 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 3 से, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. ठीक है जी? इफ एनी डाउट इज देयर अप टू दिस पॉइंट यू कैन आस्क. हां जी रुद्र, कुछ पूछते हैं? हां जी, बी ई सी इन ट्राइंगल बी ई सी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड, ठीक है, साथ में लिख लेंगे पार्ट वन प्रूफ्ड. इतना हो गया नोट डाउन? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन नोट डाउन. नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से. मिलन, हैव यू डन? वत्सल सीधे बैठो. डन बेटा, चलें आगे. अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है. सेकंड पार्ट के लिए वी आर गिवन ए बी एंड सी डी पैरेलल है. इफ वी टेक ए डी एज ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 प्लस 5 इक्वल टू 180. इफ वी टेक बी सी एज ट्रांसवर्सल, तो 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180. रीजन दोनों में को इंटीरियर एंगल्स. So write down AB parallel also AB parallel CD. Therefore angle 1 plus angle 5 equal to 180. यहां पे आप लिखेंगे with AD as transversal.
एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 विद बी सी एज ट्रांसवर्सल. So take them as equation 4 and 5. So angle 1 plus 5 is equal to 4 plus angle 6. Angle 1 को आप 4 को 1 से replace कर दोगे और reason mention करोगे. Angle 1 is equal to 4 proved above. So ye cancel out hoke we are left with angle 5 is equal to angle 6, that is angle D is equal to C or C is equal to D. Excuse me ma'am. हाँ जी बेटा. ma'am हमने also AB parallel to CD के नीचे जो लिखा है उसके साथ हमने with AD as transversal के लिखा है, explain कर दो. बेटा ये वाला हम ले रहे हैं, ये दो हमारी parallel sides हैं, ये transversal है, तो these are the co-interior angles. यहाँ ये भी लिख लो, co-interior angles with ADS transversal, यहाँ पे भी co-interior angles with BCS transversal. Clear? Yes ma'am, thank you ma'am. Any doubts up to this point? Now the next one, क्या prove करने है? Triangles. यहां mention कर लो part 2 proof. This is your part 2 proof. Now we are to prove part 3. So दोनों triangles ले लोगे. In triangle कौन कौन सी triangles given है? AB equal to AB या BA common है. Yes, AD is equal to BC. This is given. So by SSS congruency, SAS congruency rule. Triangles are congruent. क्या हो गया अभिषेक, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, फिर बता दिया करो बेटे जब मैं इरेज करने लगती हूँ. आप बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे पता लगेगा, बताओ. मैं पूछ रही हूँ, हैव यू डन, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मेरी तरफ से है कि ठीक है ये, दिस इज यस. अब मुझे आवाज सुनी, पहले क्यों नहीं सुनी? अब वो दो लाइंस छोड़ दो जो रह गई हैं, यहां से नोट डाउन कर लो, वो बाद में कवर अप कर लो. सो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल बी ए डी. सो बाय दिस इज पार्ट थ्री प्रूफ, यहां लिख लेंगे आप पार्ट थ्री प्रूफ. यस, सो by CPCT, diagonal AC is equal to diagonal BD. Diagonal के भी ना कई बच्चों ने G N O L लिखा था, वो diagonal बन जाता है, G के बाद O आएगा, then N A L. Spellings थोड़े ध्यान दिया करो, बेशक नंबर नहीं कटते हैं. So this was your question number 12. If any doubt is there in any of the questions, you can ask. Otherwise, the next one we are having is the midpoint theorem. Iska proof humne karna hai. And this one is a very important theorem. Theek hai? Haan ji. This is your theorem. Isme wo kya keh raha hai ki line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. अब देखो हमें क्या गिवन है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम है,
वो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. So the name of the theorem, this can come as state and proof midpoint theorem. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. This is the midpoint theorem. State जहां पे आ गया, theorem में भी ध्यान रखना है R के बाद E आता है. So जहां state आ गया means you have to write down the statement also. Statement क्या है आपकी? Line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. क्या मतलब है इसका? कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी. अब लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने ए बी और ए सी कोई दो साइड ले ली, इनके मिड पॉइंट आ गए डी एंड ई. तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज डी ई. ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जिन दो साइड के वो मिड पॉइंट है उसको छोड़ के जो थर्ड साइड है वो लाइन सेगमेंट उसके पैरेलल होगी. इट मींस वी आर टू शो दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा ये बनता है दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. बट इसमें हम एक चीज और प्रूव करते हैं दैट डी ई इज हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, तो हम दो चीजें इस थ्योरम में प्रूव करेंगे. फर्स्ट थिंग होगी हमारी कि डी ई जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी, एंड द सेकेंड थिंग इज डी ई इज हाफ ऑफ बी सी. स्टेटमेंट क्लियर है? अब गिवन में बताओ मुझे क्या क्या लिखोगे. यस, ट्राइंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is midpoint of AC, या आप ऐसे भी लिख सकते हो D and E are midpoints of AB and AC respectively. जैसे convenient लगता है go for that. इसको फिर हम यही लिख लेते हैं AD is equal to DB. बार बार फिर वहां mention नहीं करना पड़ता हमें. E is midpoint of AC. तो इनके हाफ इक्वल हो गए. ए ई इज इक्वल टू ई सी. ठीक है, गिवन क्लियर है? टू प्रूफ इसी के साथ डी ई हाफ ऑफ बी. ठीक है, गिवन एंड टू प्रूफ क्लियर. चलिए अब प्रूफ पे आएंगे. प्रूफ पहले इसका समझ लो. इतना नोट डाउन हो गया, कर लो. रिटन. अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम इधर से डी बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्सटेंडेड डी ई को एफ पे इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू बी डी सच दैट इट मीट्स एक्सटेंडेड डी ई एट एफ. डी ई को हमने एक्सटेंड किया तो उसको कहां पे मिल रही है, एफ पे. तो राइट डाउन दिस कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. हां जी, क्या कह रहे हो? कंस्ट्रक्शन लिख लो. ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी डी विच मीट्स एक्सटेंडेड डी ई एट एफ. अब देखो हम इसमें करेंगे क्या, दो ट्राइंगल्स आपको अब यहां पे क्लियर कट दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो इट मींस जो आपका ये है ये एज अ पैरेललोग्राम हम पहले शो करेंगे. ट्राइंगल्स जब आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या आएगा वहां से, क्या होगा सीपीसीटी से, डीई और ईएफ हो जाएगा. तो हाफ वाला पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा. उससे पहले हम इसको पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे. ये और ये इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से.
ये और ये इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल में ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो डी एफ पैरेलल बी सी, क्योंकि ई पॉइंट डी एफ पे लाए कर रहे हैं, तो डी ई पैरेलल बी सी। तो यहाँ पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हमारा ये पैरेलल भी शो हो जाएगा और हाफ भी शो हो जाएगा। प्रूफ वी विल डू टुमारो। हाँ जी, डी एफ को बी सी के पैरेलल, ठीक है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए डी और सी ई इक्वल हो जाएंगे। ए डी क्योंकि डी बी के इक्वल है, ए डी सी एफ के इक्वल है, इट्स नॉट ई इट्स एफ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल एंड पैरेलल, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ वी विल डू टुमारो। इतना क्वेश्चन नंबर 12 एंड इतना पार्ट अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और थर्ड कंडीशन ये और ये इक्वल, एस से एस कॉन्ग्रुएंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बचे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क।